नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं फिर से एक बार चर्चा करने जा रहा हूँ निफ्टी इंडेक्स के एनालिसिस पर, क्योंकि आज आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स का एक डेली चार्ट, जिसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा कि यदि हम पिछले कुछ दिनों के मूव को, यानी पिछले 3 ट्रेडिंग सत्रों के मूव को यदि देखें, यानी 24 अप्रैल से आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी ने काफी एक कोशिश की अपवर्ड मूव देने की, परंतु हर अपवर्ड मूव पर यहाँ सेलिंग देखी गई। मैं इससे आपको पहले इसे को आपको थोड़ा जूम करके दिखाना चाहूंगा कि हमने किस तरह के मूवमेंट देखे एक डेली टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक डेली टाइम फ्रेम में, जब आप यहाँ देख रहे हैं कि निफ्टी ने एक हाई लगाया था 20 जनवरी 2020 को इस तरह तक, यानी 12,436 तक। उसके बाद से निफ्टी में हमने लगातार सेलिंग कंटिन्यू रहते हुए देखी, जहाँ की इस ग्राउंड में निफ्टी ने एक सपोर्ट ले रही थी 200 डेज मूविंग एवरेज पर 3 फरवरी को, परंतु उसके बाद एक अपवर्ड मूव तो हुआ, परंतु यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो इचिमोकु क्राउड है, इसके लोअर एंड से हमने सिर्फ इसके अपर एंड तक ही निफ्टी को जाता हुआ देखा, और जैसे ही निफ्टी ने इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश की तो ये सेलिंग दोबारा से शुरू हुई। आप यहाँ देख सकते हैं कि 14 फरवरी से एक लगातार एक हैवी सेलिंग प्रेशर निफ्टी में फिर से कायम हुआ, जहाँ की निफ्टी में फिर से एक अपवर्ड मूव बना 20 फरवरी को, और यहाँ 20 फरवरी से ये सेलिंग का जो दौर है ये कंटिन्यू रहा, जब निफ्टी में हमने गैप डाउन का एक सिलसिला जारी रहते हुए देखा, और यहाँ इन स्तरों से नीचे आने के बाद, यानी 5 मार्च से ये गिरावट कहीं और अधिक तेज हो गई, जब हमने इन स्तरों को तोड़ा था। ये जो एक अहम सपोर्टिंग लेवल था निफ्टी इंडेक्स के लिए इस 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे, तो इसको भी निफ्टी इंडेक्स ने तोड़ा 5 मार्च को, और 5 मार्च से जो ये गिरावट में तेजी आई है, वहां आप देख सकते हैं कि एक गैप डाउन का सिलसिला लगातार जारी रहा। यहाँ के निफ्टी इंडेक्स ने 23 मार्च को इन लोस को छुआ था, यानी 7,515 के लोस को निफ्टी ने छुआ था। उसके बाद से निफ्टी में एक अटेम्प्ट हुआ, फिर से एक अपवर्ड मूव देखा गया यहाँ पर, जहां निफ्टी ने 27 मार्च को इन स्तरों को टेस्ट किया, इस इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल को 9,003 के, परंतु यहां से फिर से सेल ऑफ निफ्टी में देखा गया। निफ्टी ने फिर से एक बार 8,019 के लेवल पर जाकर सपोर्ट ली। फिर ये इस बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी ने कंसोलिडेट करने की कोशिश की है इन लेवल्स के बीच में, और फाइनली आप देखें कि निफ्टी ने फिर एक बार अटेम्प्ट किया। यहाँ हमने निफ्टी को 20 अप्रैल को फिर से इस स्टिफ रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की कोशिश करते हुए देखा, परंतु तोड़ नहीं पाया, और यहाँ सेलिंग जारी रही 20 अप्रैल को लगातार, जहाँ की हमने 21 अप्रैल को एक गैप डाउन ओपनिंग देखी निफ्टी इंडेक्स में, जिसके बाद निफ्टी ने इन लेवल्स के नीचे चला गया था, जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था निफ्टी का, जब निफ्टी नीचे से ऊपर गया था, और परंतु जब निफ्टी एक बार इस किसी भी रेजिस्टेंस को तोड़ जाता है तो वो एक सपोर्टिंग लेवल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक वैसा ही हुआ, निफ्टी ने फिर से यहाँ सपोर्ट देने की कोशिश की, जब निफ्टी ने फिर से एक बार इस अहम सपोर्ट को, यानी 9,035 की सपोर्ट को तोड़कर यहाँ ऊपर सस्टेन किया 22 अप्रैल को। उसके बाद एक अच्छा अपवर्ड मूव निफ्टी ने फिर से दिखाया 23 अप्रैल को, जहां निफ्टी ने इस स्तर पर क्लोजिंग दी थी। फिर निफ्टी में ये सेलिंग प्रेशर, फिर भी हमने यहाँ सेलिंग का दबाव देखा, जहाँ की निफ्टी में हर अपवर्ड मूव पर, जब आप देख रहे हैं कि 9 डेज मूविंग एवरेज, ये जो आप देख रहे हैं ये स्काई ब्लू कलर थी, 9 डेज मूविंग एवरेज है, यहाँ पर निफ्टी को एक डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट तो मिला, परंतु हर अपवर्ड मूव पर यहाँ सेलिंग हुई, जिसके चलते ये एग्जॉस्टिव कैंडल दो बने। आप देख रहे हैं दो एग्जॉस्टिव कैंडल बने, और निफ्टी ने आप देख रहे हैं कि 28 अप्रैल को फिर से कोशिश की थी इस टफ रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने की, परंतु तोड़ नहीं पाया, और उसे नीचे ही क्लोजिंग दी है, यानी 9,380 पर आज क्लोजिंग दी है, जबकि आज निफ्टी ने ओपनिंग दी थी 9,390 के आसपास, और हाई लगाया 9,404 का, और एक लो लगाया 9,260 का, और क्लोजिंग हुई है 9,380 पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 9,419 का, ये इमीडिएट एक टफ रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मेरा मानना है ये जो हमने निचले स्तरों से निफ्टी में एक बढ़त देखी, ये इन बातों के चलते थे कि वर्ल्ड के कुछ पार्ट्स में, यानी कुछ देश वर्ल्ड के अपनी इकोनॉमी को फिर से रिओपन कर सकते हैं, जिसके चलते एक नई उम्मीदों की किरण बनी। परंतु यहाँ मेरा मानना है कि बिना किसी कारगर इलाज के, जिस महामारी से हम जूझ रहे हैं उसका हमारे पास कोई एक कारगर इलाज नहीं है, ना कोई वैक्सीन है, सिर्फ
सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के अलावा कोई उसका इलाज नहीं है, जिसके चलते मेरा मानना है कि रीओपनिंग अचानक से यदि कर दी गई इकोनॉमीज में, तो इससे इन्फेक्टेड केसेस की संख्या में एक भारी वृद्धि हो सकती है, जिसके चलते रीओपनिंग को लेकर निवेशकों में काफी भय अभी व्याप्त है कि रीओपनिंग के बाद आने वाले सिचुएशन किस प्रकार की होगी, जिसके चलते हम सेलिंग प्रेशर सभी ग्लोबल इंडेक्सेस में कंटिन्यू रहते तो हुए देखेंगे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी भी S&P 500 फ्यूचर्स में ऊपरी स्तरों से एक सेल ऑफ देखा गया है, जिसके चलते मेरा मानना है कि निफ्टी में भी कल एक हम गैप डाउन ओपनिंग होते तो हुए देख सकते हैं। तो आइए पहले मैं इस चार्ट को जूम आउट करता हूँ। तो यहाँ आप देखा है कि निफ्टी ने काफी एक कोशिश की है 9,419 को तोड़ने की, परंतु तोड़ नहीं पाया और एक हाई तो लगाया था 9,404 का, परंतु वहां से हमने सेलिंग देखी जहां निफ्टी ने एक लो छुआ 9,260 का और बंद हुआ है 9,380 पर। तो निफ्टी में अभी भी अनसर्टेनिटी काफी देखी जा रही है, क्योंकि निफ्टी में जो मूव अभी देखे जा रहे हैं उन्हें एक बुलिश मूव समझना एक गलती होगी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो गिरावट है ये एक खड़ी गिरावट थी पूरे जो मार्च के महीने में व्याप्त रही, और इस तेज गिरावट में एक बाउंस बैक तो आना स्वाभाविक ही था, परंतु यहाँ मेरा मानना है कि ये जो एक जोन बना है ये एक बुल स्ट्रैपिंग जोन है, जो किसी भी एक बड़े मार्केट फॉल में बनता है हमेशा, जैसा कि सन 2008 और 9 के फाइनेंशियल क्राइसिस में भी कई बार बना, जबकि काफी सारे लोग ऐसे बुल स्ट्रैपिंग जोन में फंसे, जबकि एक बाउंस बैक को एक छोटे से बाउंस बैक को एक रिवर्सल समझा गया, और जिसके चलते काफी बुल स्ट्रैप हो जाते हैं इस स्थिति में। तो पहले अभी देखें कि आखिर निफ्टी किन स्तरों पर जाकर सपोर्ट लेता है, क्या वो इमीडिएट जो अभी उसने लो दिखा है क्या उस लेवल को आने वाले महीने में बचा पाता है या नहीं। तो यह मेरा मानना है कि निफ्टी में जो वीकनेस है वो काफी अधिक है, क्योंकि यह मेरा मानना है कि यदि हम मूविंग एवरेजेस की स्थिति को देखें एक डेली टाइम फ्रेम में, तो ये जो आप देख रहे हैं कि 20 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, और ये दोनों मूविंग एवरेज 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़कर नीचे आ रहे हैं, और वहीं ये सभी और रेट उससे भी कहीं नीचे जा चुका था मार्च के महीने में, रेट कुछ ऊपर तो आया है 20 डेज मूविंग एवरेज के, परंतु अभी भी 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, जहां की एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल पर अभी निफ्टी खड़ा है। और वहीं ये सब जो आप देख रहे हैं ये फॉर्मेशंस ये एचिमुक क्लाउड के काफी नीचे है, जो कि एक बेयरिश कंटिन्यूएशन दिखाता है हमें निफ्टी में आने वाले दिनों में, जब तक कि निफ्टी इचिमुक क्लाउड के ऊपर यहाँ इन लेवल्स पर सस्टेन नहीं कर लेता, यानी 9,980 के, तो निफ्टी में हम हर अपवर्ड मूव पर रिथरिंग का तो वो देखेंगे। सबसे पहले तो निफ्टी को इचिमुक क्लाउड के निचले स्तर को तोड़कर इसके अंदर एंटर करना होगा, अदरवाइज मेरा मानना है कि यदि निफ्टी में एक डाउनवर्ड मूव आता है इन स्तरों के नीचे, यदि निफ्टी ने तोड़ दिया 8,654 के नीचे, तो निफ्टी में एक भारी गिरावट का दौर जारी रह सकता है, क्योंकि यहाँ हम ऑलरेडी एक बार देख चुके हैं इन स्तरों से, जबकि हमने 8 अप्रैल को एक एक्सोसिव कैंडल का फॉर्मेशन होते हुए देखा था निफ्टी के एक डेली टाइम फ्रेम में, जिसके कारण निफ्टी में अभी मंदी व्याप्त है। तो मेरा मानना है कि जो ग्लोबल इकोनॉमीज में रीओपनिंग को लेकर जो एक उत्साह देखा जा रहा है वो मुझे कहीं एक व्यर्थ ही एक प्रयास सकता है, इक्विटी मार्केट में कोई बुलिश सेंटीमेंट्स क्रिएट नहीं हो सकते जब तक कि हम कोई कारगर दवा ना ढूंढ लें इस महामारी की, और तभी जो मूव आएगा वो एक रियल बाउंसिंग मूव होगा, तभी हम इस मंदी से उबरेंगे जब हम एक सफल इलाज इस महामारी का ढूंढ लेंगे। उससे पहले मेरा मानना है कि जो भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ती हुई वीकनेस है जो कारण है उनको हम स्टिमुलस दे देकर कब तक बचाएंगे, क्योंकि स्टिमुलस भी एक दिन कम हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी हाल ही में जो स्टिमुलस दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने म्यूचुअल फंड्स के लिए एक कैश विंडो खोली, जहां की 50,000 करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल स्टिमुलस दिया गया म्यूचुअल फंड्स के लिए, जिसके चलते ये एक बाउंसिंग मूव निफ्टी ने दिखा तो दिया है, परंतु निफ्टी में अभी वो एक मजबूती नहीं देखी जा रही, क्योंकि ओवरऑल जो इकोनॉमी है वहां वीकनेस काफी अधिक है, जिसमें कि हम जो अभी पिछले 39 दिनों से जो लॉकडाउन की स्थिति पूरे भारत में कायम है, जिसके चलते पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन ठप पड़ चुका है, जिसके चलते हम इस पेंडेमिक का इम्पैक्ट आने वाले कई महीनों तक इंडियन इकोनॉमी पर देखेंगे,
और वहां मेरा मानना है कि यदि आने वाले दिनों में निफ्टी इंडेक्स ने इन लेवल्स को तोड़ा, यानी 8275 के नीचे यदि निफ्टी इंडेक्स ने एक कदम रखा, तो यहां से एक बेयरिश जोन में एंटर कर सकता है निफ्टी इंडेक्स। तो अभी आप जानते हैं कि 30 अप्रैल को फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, जिसको लेकर कि 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को भारी उथल पुथल निफ्टी इंडेक्स में देखी जा सकती है, क्योंकि यदि हम वहां फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर नजर डालेंगे तो हमें पुट्स और ऑप्शन में काफी निचले और काफी मतलब दूर के लेवल्स में हमें कुछ बिल्डअप देखने को मिलेगा, अदरवाइज बिल्डअप काफी कम है, जिसके चलते निफ्टी यदि एक साइड की एक डायरेक्शन मूव पकड़ेगा तो वो डायरेक्शन मूव काफी लंबा हो सकता है। यदि निफ्टी ने एक बेयरिश मूव पकड़ा इस सेटलमेंट से पहले, तो निफ्टी को तो वो बेयरिशनेस काफी अधिक हो सकती है, और यदि एक अपवर्ड मूव दिखाया निफ्टी ने सेटलमेंट वाले दिन या उससे पहले, तो यहाँ मेरा मानना है कि अपर साइड जो है काफी लिमिटेड होगी, जबकि जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मिलेगा वो 9803 के लेवल पर है। उससे पहले तो जो इमीडिएट रेजिस्टेंस अभी बाकी है वो 9419 का है। तो अब देखना होगा कि निफ्टी आने वाले अगले 2 दिनों में क्या फैसला करता है, क्या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी से पहले एक बड़ा डायरेक्शन मूव हमें देखने को मिलता है, क्या हम इचिमोकू क्लाउड के अंदर एंटर कर पाते हैं या नहीं। इचिमोकू क्लाउड के अंदर एंटर करने के लिए हमें सेकेंड इमीडिएट रेजिस्टेंस का सामना करना होगा, यानी निफ्टी को 9803 के लेवल को तोड़कर सस्टेन करना होगा, और यदि ऐसा हुआ तो यहाँ इन सालों से यानी 50 डेज मूविंग एवरेज के पास जाते ही यहाँ से निफ्टी में एक भारी सेलऑफ देखा जा सकता है, जहाँ कि हम देख रहे हैं कि 50 डेज मूविंग एवरेज अभी 9933 के आसपास है, परंतु तो यहाँ तक पहुंचना निफ्टी के एक अभी तो काफी एक नामुमकिन सा एक पॉइंट लगता है, परंतु जो वॉलिटिलिटी है उसके चलते कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि जो मार्केट के मूव है वो न्यूज बेस्ड मूव ज्यादा है अभी, क्योंकि ग्लोबल फ्रंट पर या इंडियन इकोनॉमिक फ्रंट पर कोई ऐसी न्यूज निकल कर आती है जिसके जिसका इम्पैक्ट हमें कुछ पॉजिटिव साइंस दिखाई देते हैं, यानी कुछ स्ट्रेंथ दिखाई दे भी जाती है, तो वो एक फेक मूव होगा, जहां कि हम ऊपरी स्तरों से निफ्टी में एक भारी सेल ऑफ कंटिन्यू रहते हुए देखेंगे। तो निफ्टी को 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को एक बड़ा फैसला लेना है, क्योंकि 1 मई को है छुट्टी, इसलिए इस सप्ताह में ट्रेडिंग डेज काफी कम है, इसलिए निफ्टी को 29 अप्रैल और 30 अप्रैल को एक अहम फैसला लेना है कि निफ्टी का रुख किस तरह रहेगा, वो डिसाइड होगा इस रेंज से बाहर एक ब्रेकआउट मूव पर, जो कि मेरा मानना है कि यदि निफ्टी ने निचले स्तरों पर 8616 को तोड़ा तो निफ्टी में ये बेरिशनेस काफी अधिक हो सकती है, और इस स्तर पर यदि निफ्टी इस लेवल को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, यानी 9794 के ऊपर यदि निफ्टी ने ब्रेकआउट लिया आने वाले हफ्ते में भी, तो भी निफ्टी में कुछ बुलिश सेंटीमेंट्स के कायम रहने की उम्मीद की जा सकती है, परंतु अभी तो देखना होगा कि क्या निफ्टी इस इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है 9419 का उसके ऊपर कितनी देर कल सस्टेन करते हैं, यानी कल जो मूवमेंट्स होंगे वो काफी अधिक वॉलिटाइल होंगे, इस वॉलिटिलिटी में निफ्टी में काफी कमजोरी आ सकती है, क्योंकि यहाँ अनिश्चितता इतनी अधिक हो चुकी है कि गोल्ड में जो तेजी बनी हुई है वो $1742 के ऊपर अभी चल रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में काफी एक अधिक वॉलिटिलिटी बढ़ चुकी है, जिसके चलते निफ्टी में वीकनेस रहना स्वाभाविक है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।